तो चंदा कैसेट का तो ऐसा दिल है, आपको अपने मनोरंजन बिगैर बिल्कुल नहीं रहन देंगे। और लीजिए अब आपके सामने चुटकला है, और चुटकला इस प्रकार से कि हम एक शादी में गए, और शादी में ऐसे टाइम से गए बहुत ज्यादा गर्मी, और जो बैंड वाले के वो जो धूतू से वे धूम में ताते हो गए, गर्म हो गए, वे रोडन के नौ लगाई जा। अब उनमें वो बेटा वाला कहने लगा, यार ये कोई बात है, अरे पैसे दिए बजाओ नहीं से। अब एक उनमें मास्टर वाले अपनी पीपरी सी कपड़ान में लपेट रखी, बाकी ठंडी हो रही, अबे और उनके बड़े बड़े धोतू से वे गर्म हो रहे ताते रोडन के नौ लगाए जा। और वाले मास्टर से ने सुन ली ताऊ की नुकरा, ताऊ आप ठोके हैं जो, इतने में अपनी वह पीपरी से लेकर रेडी हो गए, न्यू बारात जावे थोड़ा सा सैंपल, न्यू बाजे वो पीपरी सी और न्यू बारात चल दी। भलो कैसे थोड़ा सा फार्मूला, अब पीछे और भी वे तासेन वाले पसीनों में मर रहे रहो, तबलिया सिंह बांध रहा खीर वे मुंशी भाई पिनगवा वाले यहाँ तासे से लटक रहे पसीनों में तर यू का तर तलिक तलिक तर तलिक तलिक तर। पीछे एक और वह पीतड़ के से गोल धारे तो डंडा तो दे दबा दब, पीछे आ गए तो तासेन वाला, और तासेन वाला कर रहा तर तड़िक तड़िक तर तड़िक तड़िक तर तड़िक दब कट दब कट दब दब कट दब दब कट दब दब कट दब दब कट। आगे चल रहे तड़ दब कट दब कट दब कट दब कट दब दब कट दब कट दब। पीछे एक और पसीनों में तर हो रहा और बैल ले रखिया रहो कई कई बाजे बरात में अरन्यू और ढोल वाले आ रहे पीछे वे सौकी ने ढोल रो चुटिया सी लटका राखी और तहमन बोंद राख और मारे सगड़ी बरात खाने पे, सगड़ी बरात खाने पे पहुंच गई तो पुराने टाइप की बात है, पहले स्टैंडिंग टेंडिंग मेंडिंग ना चल रहे, न्यू गांव में बढ़ गई बरात। बरात जैसे ही गांव में गई एक ताऊ के खरक धो रहे तो ताऊ की भैंस बहुत ज्यादा बिद गई, आप हत्ता उनकी आ रही ना बड्डे बड्डे से धूतून वाले इनकी, उनके रोड फूके धूम में ताते हो रहे, तल्लक फॉर्मलिटी सी पूरी करे और गैल छोड़ दे तल्लक न्यू करे न्यू कर कर और ताऊ के घेर मई कर दी वा खरक मई वा की भैंस ऐसी बिद के बहुत ज्यादा ही उत्तम बात करके और भैंस और आप कहर बुढ़ो सांझ को टाइम यार फूस कर रहो का आधार कार्ड ने को बैठे हो, जब बुढ़ो कह रहा हो भैया अरे हो बाजे वाले हो अरे हो इधर देख रहा हूं ला हुआ हुआ
हुआ हुआ ना जो खुआ पूछ ला रहे हो तुम अरे बरात मारे हो या बजाओ तो ढंग से बजाओ नहीं टाट करो नहीं बस बस मिटका दी हम फड़वा दिए डंडा थड़वा दिया नई बाल्टी लाया फड़वा दी है और भैंस तो जाती नहीं दिखे भैंस भी ऐसी ही एक और बंदरा भैंस के धोरे छोटा सा कह गई माँ पार बोली जुखा भैंस भी जाती नहीं दिखे जन कहो अरे आप बजाओ तो ढंग से बजाओ नहीं टाट करो फिर तो एक और पेटीकोट पहर के और रेहड़ी पे चढ़ गो ऊपर और लेडी समाज में गावे न्यू कराया रो ताऊ के मई न्यू न्यू का ताऊ अब ठोके और लेडी समाज में गावे न्यू करा न्यू ओया और बारात पहुंच गई रोटीन पे पहले पुराने टाइप की बात है ये स्टैंडिंग टेंडिंग बेंडिंग नॉट चल रहे सादा रोटी पत्थर की पहल की पंगत में दो बुढ़े का नंबर आ गया राम बल और किशन बल इधर से होती आ रही है वो भी कोई परेशानी हो वो भी कोई परेशानी हो वाले जन पूरी पब्लिक ही निपटाई का सुबह तर शाम तक हुई में डरा टोकरा से न्यू ले रहा खर न्यू कर परोसने वालों हाँ साहब अरे तो ही तो कह रहा हूँ सुन रहा है हाँ साहब बर्फी है जी हाँ साहब बर्फी है जी ये फेंक फेंक के मारे जब कह रहा हूँ रंबल अरे सब सौदा ठीक है भैया सब सौदा खाना तो चोख हो ही है जब किशन बल कह रहा हूं यू का पहले आ तो जान दे और खाना तो चोख ही है ले लो एक और दे लो दो इतने में सब्जी पूरी सब्जी कंप्लीट लास्ट में एक आवे फूटे से मग्गा लिए अरे न्यू हाँ साहब हाँ जी जला जी हाँ साहब अरे जुखा रोक तो सही हवा और दिए ऊपर से पूरा ही जले दी बाहर निकल के रहो बुड्ढो कह रहा हूँ अरे किशन बल अरे हम तो न्यू जो ना यू जल कोई अच्छी थी देखा लेगी भैया सब सौदा सही है पर यू तो मैं सुथरो पानी हो निकाल बीच की पंगत में एक अंधा एक गंजा बैठे बेचारो बीच की पंगत में एक अंधा एक गंजा अंधे दिखे नहीं वाके धोरे तूफान पंखा लग रहा और गंजा पीछे बैठो अंधे दिखे नहीं वाकी पत्थर दो दो किलोमीटर दूर उड़ जा अब गंजा ओ न्यू बाघ का जार वाकी पत्थर लियार फिर धरा फिर उड़ जा फिर लिया फिर धरा फिर उड़ जा आपके जब पत्थर उड़ी तब आगे धोरे की ईट करोड़ा चौसीदार पड़े हो गंजे ने जानी
अखंधे दिखे नहीं बेचारे, बाकी पत्थर उड़ जा बार बार, या ईट तो थमी रहेगी, यूं इतने लड्डू वड्डू आएंगे या दिखे नहीं। वो ईट करोड़ा धरो कोरी पत्थर खुर खुर किसी आवाज आई, अंधे ने कनेर करी, मोह तो ऐसा लगे जैसे लड्डू आगो दिखे। अंधो हाथ तो फोड़ा कदी मुंह तो तोड़ा टूटे फूटे नो, वाले पीछे फेंक दिया। अंधो कर रहा हूं ऐसा लड्डू बेकार है जो टूटे फूटे नो, वाले पीछे फेंक दिया। पीछे वो गंजो बैठे हो वाके सिर में जाके ढी, एकदम उछड़ के पड़े हो गंजो ओढ़ा, यू का मेरा तो फूट गो और रोवा यू का राम राम ओढ़ा यू का मेरा तो फूट गो। जब कह रहा हूं अंधो ओरा लियो का फूट गो तो मेरे उल्टो दे दे, मैं बहुत देर तक जोर मार रहा हूं। या मैं परु बरात कुम्हारन की, बरात कुम्हारन की, वह बरात में हम भी गए, कुम्हार का छोरा हमारा दोस्त, और लास्ट पंगत में हम भी बैठे, बस सब्जी पूरी सी लगाई बाकी है। इतने में कलौत के पीछे कम से कम 25 SDM बैठे हैं, बस टुकड़ा सा बाकी लगाया। इतने में पीछे से आवाज आवे, फिर मिलेंगे। आपने एक बात सुनी होगी कि एक माँ के चार बेटा थे और कुदरती बाप चल बसे। अब वे चारू भारी हो रहे हैं, मम्मी तो कह रहे हैं अपनी तन्यू के मम्मी 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 री मम्मी मम्मी ओ मम्मी मम्मी पापा किस तक कहेंगे। तो मम्मी तंदुरुस्ती अस्पुष्टि, मम्मी हिम्मत नहीं हार रही, फिर भी मम्मी कह रही है बेटे पापा के बारे में सोचेंगे। मम्मी एक और पापा ले आई शाम को, पौच वाके हो गए कुदरती ऊ भी चल बसे हो। अब वे पौच भारी हो रहे, पौचू अलग अलग वैरायटी के, कोई तो न्यू दुनो से कौन अंत है। अरे न्यू का मम्मी ओ मम्मी मम्मी ओ, जब दूसरा कर रहा है रे मम्मी तो भाई सुने भी ना मम्मी का मम्मी री मम्मी मम्मी पापा किस तक कहेंगे। तो मम्मी की थोड़ी सी उम्र डाउन होगी, मम्मी थोड़ी सी ढीली सी बोलने लगी। मम्मी कह रही है बेटे पापा के बारे में सोचेंगे। मम्मी एक और पापा ली आई, मम्मी में गुंजासी, चार वाक्य हो गए कुदरती ऊ भी चल बसे हो। अब मम्मी बिल्कुल 55 साल में आएगी, 60-70 साल की उम्र में होगी मम्मी, फिर भी वे चार कह रहे हैं यू का मम्मी, और एक्टिंग अलग अलग सबकी, यू का मम्मी ओ ओ मम्मी 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 है मम्मी आजा ओ मम्मी, अरे मम्मी आह मम्मी मम्मी है मम्मी 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 री न्यू करे। फिर मम्मी बिल्कुल बुजुर्ग होगी, फिर भी मम्मी हिम्मत नहीं हार रही, फिर भी बेचार कह रहे न्यू क्या मम्मी 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 पापा किस तक कहेंगे। मम्मी की आवाज रिवाज सब बदल गई, मम्मी फिर भी हिम्मत न हार रही, फिर भी मम्मी न्यू कह रही है अरे बेटा बेटा जब तक साहस है जब तक साहस है, क्या मेरे टुकड़ा टुकड़ा हो जाइए पर तो मैं बाप बिगड़ लो रह लू। एक दो का फिर आपकी सेवा में। एक आदमी बहुत दूर से भैंस ले आया, यानी के रोहतक से, और भैंस ले आया आदमी बहुत ज्यादा गरीब। वो बेचारा कहने लगा
लुगियार ऐसा ना हो कदी राह में कहीं पकड़ दकड़ हो जा, पीछे तो ये खुलिया बनवा के ले आयो। जैसी भैंस की हिसाब किताब है, पूछ वूछ सिंग विंग सब अन्न लिखवा ले आयो वा लेटर में। और भैंस कहीं भी पकड़ दकड़ ना हुई, सही सलामत अपने घर पहुंच गई। वो हुलिया बनवा के ले आया, पीछे तई हुलिया काई कौम को नहीं अपनी चौधरन तक कह लगा न्यू कर या धरियो समाड़ कहू भैंस को हुलिया। वो धरने की एक ही सिंधु खंडिया में धर दिया वाने। बालक शौने हो रहे, छोरी इनकी चिट्ठी भी लिखवानी जरूरी, छोरी की चिट्ठी भी लिखवानी जरूरी। बालक शौने हो रहे, चिट्ठी लिखवा दी अख्तर की नाई के दे दंगे। ले आए भी समाड़ के धरियो, समाड़ने की एक ही सिंधु खुवाई में वो चिट्ठी धर दी। तड़की नाई को आयो, राम राम जी, राम राम भाई, राम राम, आओ जी आओ, ये ले 1151 रुपया और ले ये वा चिट्ठिया लिखाड़ के। वा ने हंडिया में हाथ दिया चौधरन, चौधरन ने चिट्ठी नीचे होलिया ऊपर, होलिया दे दिया नाई के। लिया के नाई के ने लगा बगल में होलिया, 1151 रुपया लेके अगले गांव में जा पहुंचे। और सिरदारी जुड़ी बड़े छोटे बैठे, जाते नाई को बोलो राम राम जी, 1151 है जी चिट्ठी पे। बड़े बूढ़े कह लगे अरे मौत कर दी भैया, कोई लेन देन था पूर्ति पड़े कर 1151 मौत कर दिया चिट्ठी और पढ़वा दा आगे को। अब चिट्ठी पढ़ी जा रही है, वो तो होली आयो वहां में लिख रही पहले 2 तारीख। कह लगे जी 2 तारीख को ब्याह होएगा, चलो कोई बात ना। नीचे लिख रही एक लंबी पूछ, जट कौन से थोड़े से खड़े होने लगे। उनने कही चलो इधर मजाखन में छोरी चुटिया को लिख दिया एक लंबी पूछ, आगे को बट भैया आगे को बट। नीचे लिख रहे 2 सींग, चलो 2 चुटिया करे रहे उनको 2 सींग लिख दिए। रंग काड़ो, चलो खाड़े भूरे भी 2 रख रहे। नीचे लिख रही 4 थन। ओ भैया, अरे ओ लिखा हो, सुन रहा तू भी ना सुन रहा बैठे ही बैठे हो। बात बात बढ़ती जा रही है, इसको लिखा कुदरत की दया, कोई धोरे तो थोड़े लगाइए, 4 थन भी हो सके। पढ़ भी आगे को आंदा। नीचे लास्ट में लिख रही 6 महीनों की ज्ञापन। दत्त बुड्ढे पे ना सुनी गई, खजा होगो जब कह रहा हो भैया। अरे ओ लाइक भैया, हम तो जुड़वा ले हाथ, पहले कही पहले एक लंबी पूछ, हमने फिर भी पहना ली मूछ। पहले कही 4 थल, हमने फिर भी लगा लिया मन। पहले कही रंग काला, हमने फिर भी देखो भाड़ा। पर भैया ऐसे महीनों की हमारे बस की न, या ऐसे कर दू या चिट्ठी उल्टी ले जा। आपकी सेवा में एक बात याद आ गई, एक ताऊ की डांड में बहुत ज्यादा दर्द, और ताऊ अपने पोते ते कह रहा हूं कुलदीप पोते का नाम, और ताऊ अपने पोते ते कह रहा हूं ताऊ की डांड में बहुत ज्यादा दर्द, और दर्द के मारे कतई मुंह टेढ़ा हो रहा ताऊ को,
ये पोजिशन हो रही ताऊ की नुक है कुलदीप ओ कुलदीप मेरे यार हमारे डाक में लग रहा है दांत में दर्द नहीं हम तो कैसे ही लो मेरे यार हमें डॉक्टर के दिखा लिया अब कुलदीप ऐसा ही फराड़ी कदी इंगे कु बुलट मोटरसाइकिल पैरो यूं कह बाबा एक मिनट बैठो एक सेकंड में ही पहुंचा दिया बाबा अब डॉक्टर दाईदार हो रहा हूं डॉक्टर कह रहा है छोटी सी बैटरी लेके यंग बाबा कौन सी डाड में दर्द है डाड में दर्द है मुंह खोलो थोड़ा और खोलो बस थोड़ा और खोलो लुका हो भैया ओ डॉक्टर ना तेरे जैसे बहुत देखे मैंने जमीन से देख रहा उसको लुका मुंह खोलो और खोलो ना थोड़ा और खोलो ये कोई किराए को क्वार्टर से है लो जा बताते ही चले जा ना मोटा ऐसा लगाया कुर्सी लेके भीतर मुंह में बैठ तो दिख है एक बार ऐसा हुआ एक ताऊ का छोरा फौज में एक ताऊ का छोरा फौज में लग गो पर वहां फौज की बीमारी की पता नहीं वहां फौज की बीमारी की कोई पता नहीं फौज में तो हो रही ना कर्नल वर्नलन की इतनी जीव लिखड़ रही ठीक दोपहरी में बाबा ने बहुत प्यार करे हो वह छोरा पर छोरा की हवा खराब हो रही रो कभी कभी पर 20-25 दिन हुए फौज में इतने में कम से कम 1000 इन लेटर मैटर अपने बाबा पे भेज दिए लुका बाबा ओ बाबा आगे मंडला लग रहा 1000 इन लेटर मैटर आगे बाबा ने एक दूधिया पे 15 सेरा डिब्बा लियो वहां में देसी घी भरियो वहां ने जानी ताऊ ने रे छोरा का ही लंबे अरसे में जुतरो है अन्य ऐसे तो करे न हो देखे डिब्बा रेल में बैठ गो रेल में वह रेल के डिब्बा में जिगे नहीं वह 15 सेरा डिब्बा धरने को रेल में जिगे नहीं अब ताऊ न्यू न्यू को देखे एक नडूली सी लटक रही वहां में वो रेल जात बंद हुआ है चैन सवाई में टोक दियो कड़ूला सवाई में टोक दियो अब थोड़ी देर थोड़ी सी दूर गई बस रेल इतने में ही बंद इतने में बंद बस रेल ने तन्नक करी है खड़ी होगी टीटीवीटी से आए नुके बाबा लिखो भैया ये डिब्बा किसको है तेरा ये कैसे गुथेगो का हमें क्या इस समय देसी घी इसने रेल बंद कर दी जब कह रहा ओ भैया ओ भैया ओ टीटी ना हम बाहर जड़वाला तू गुथे तो मतलब हमें न्यू तो पता ही एक देसी घी में जोल रहा है पर इतनी हमें भी ना पता ही सुतरो रेल भी बंद कर दे
अब एक फरमाइश और आपकी सेवा में, एक बस में बहुत ज्यादा भीड़ और एक ताई चटगी बस में, ताई कह रही है ताई ये सीट नहीं मिली, वह मैं कॉलेज के सारे कॉलेज के स्टूडेंट डेंट भरे पड़े कॉलेज के बच्चे भरे पड़े, बुढ़िया चटगी कह लगी अरे बेटा 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 हम बहुत परेशान हैं, तन हमें जिगर दे दे। तो एक कह रहा ताई थोड़ी सी आगे जा, निका देबू ने क्या बात है ताई ये बैठा लीजिए तल्ला का आगे, ताई थोड़ी सी और आगे देवा सीट पे पल्ली पे, हाँ चली जा कोई बात नहीं, हाँ जाए कर लिख दे जाए कर, और देबू निका बैठा ली तन ताई है मैं भी चल रहा, अब ताई से ड्राइवर के धोरई जा खड़ी हुई, ड्राइवर कह रहा हूँ ताई ये स्कूल की बिगड़ी हुई छुरी दे ये जगह न देंगी तू, यहाँ आ जा बोनट पे, ताई बोनट पे बैठा दी। थोड़ी सी आगे गई बस एक मैडम चढ़ गई, मैडम बहुत ही अच्छी बड़ी अच्छी मलूक मैडम, और मैडम चढ़ी है एकदम कम से कम 50 इन लड़का देखते हैं मैडम है, नमस्कार मैडम, और मैडम मैडम आओ ना मैडम, ए ए यहाँ आ जा, यहाँ आ जा कतई, देखिए तो सीट छोड़ रखी है, देख ले मैडम हम तो इतनी दूर देख, यहाँ तो यहाँ आ गए मैडम, बैठ जा बेशक तू यहाँ, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी बिल्कुल भी नहीं, मेरे को नहीं बैठना। ओ जुके मैडम एक ऐसा यूड में, ओ जुके मैडम वैसे ही करे कर तू तो आ जा, जब हम देखियो ये कतई जगह कर दिए यहाँ बात, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी। सहजू भी ड्राइवर धो रही जा पहुंची, जब बुढ़िया कह रही है पहले ही बैठी है बुढ़िया, जब बुढ़िया कह रही है वो ताई कह रही बेटा बेटा तेरे सब बच्चों को है बैठ जा, और नहीं तो एक दिन आना तो ये भी बोनट तो ही पड़ेगा। अख दो कुल्लू और देबू, कुल्लू और देबू दोनों वे बेचारे पुलिस तो बहुत ज्यादा डरे, बस में चढ़ गए, एक इंस्पेक्टर खड़ा टोपी है पहरे बीच में, अब एक आगे कर चढ़ गए एक पीछे कर, जब कुल्लू कह रहा देबू तय इंस्पेक्टर देखते हैं हवा खराब अल्लू कॉप है, लुकाओ देबू क्या बात है, मोड़ा सुनो जो तक क्या कहा कह रहा तू लगा पुलिस एकदम कहा एकदम एकदम दोनों के दोनों साफ गए, वो अगली मैकर कूद गो चलती बस में तो वो पिछली मैकर, दोनों खिड़की में कर साफ गए, अड्डे खड्डे में कर बस अड्डे में कर साफ, और बैंगन के खेत में जा बड़े, बैंगन के खेत में बहुत ज्यादा दौड़ लगाए के नर, एक तो आगे एक पीछे, एक इतना बड़ा बैंगन को पेड़ हो, एक तो वाम है पुलिस वाले ने जानी रहा ये बहन च कोई जेब कतरा है, भाग्य बहन चो अरे उड़े देखना पड़ेगा भाई ऐसे तो नहीं थे, अभी तो खड़े थे मेरे सामने, उड़े पैर बोले भाई कारण है, वो भी उनके पीछे पीछे पुलिस वाला भी इंगे उंगे कर बस अड्डे में कर वाई खेत में, दोनों एक बैंगन को पेड़ इतना बड़ा वाके नीचे एक पेड़ और आ गए, एक पेड़ और बैंगन हाल रो डर के मारे देबू को, देबू करा बैंगन के धोरा इंस्पेक्टर पहुंच गए, नुकरा
अरे कौन सा है? लुकैदी बैगन। अरे कड़े भाई इतना बड़ा बैंगन? लुकैदी बीज कुछ छोड़ रहा कहूँ। लुकैदी बीज कुछ छोड़ रहा कहूँ। अरे छिड़छो तेरी दूसरा साथ था एक। अरे ए भाई, अरे एक और भी था तेरे साथ है। लुकैदी उकाई ने तोड़ लिया हो। एक ताऊ को एक ताऊ की गैल एक छोरा छोटा सा ताऊ का पोतो। ताऊ तो बहुत ज्यादा प्यार करे, ताऊ जहां भी जावे भाई के पीछे रोल लगा रो लुका ताऊ बाबा बुरी तरह रो वैसे ही चलूंगा। न्यूखा तू नहीं रह भैया, तू काख रह गो हो, तू बेकार धूम में मरे गो बजो झोर और ससुरो यही बैठो रहे। न्यूखा बाबा रे बाबा मैं चलूंगा बाबा रे ला बाबा। न्यूखा नौ मोने से चल भैया बाजार को ले गो बाबा। छोटो सो छोरा एक ऐसे पे नजर पड़ी, इतना मोटो पेटर डेंट पेंट मेर इतना मोटा पेट। जब वो छोरा कह लगो न्यूका बाबा बाबा रे बाबा बाबा रे यू कौन है? तो पहले बड़े बूढ़े जब मोटे पेट के न देख कर डेंट पेंट में देख कर अच्छे आटे कट्टे तो न्यू जो नहीं पैसा वाड़ी फरम है। अब एकदम बाबा कह लगो न्यूका भैया यू कोई उद्योगपति है? न्यूका बाबा रे बाबा यू जो जो मोटे पेट के रहे वे उद्योगपति रहे? न्यूका हो ऐसा ही है, तू जो ससुरो रजिस्ट्री करवा रहा हूँ आगे से चल। न्यूका मारे का एक बार पर मैं चलता रहे हूँ वैसे ही करेगा तू वैसे ही बना खड़ा न्यूका। न्यूका बाबा भूख लग रही है। न्यूका भूख लग रही है जूरी सौ मई होटल ही दिख है, चल दो रोटी हम खा ले। बस होटल के दरवाजे इन पर गए बाकी है। इतने में ही एक मैडम खाना खाए के निकल रही, वहां के पेट में 5-6 महीनों का बच्चा न्यू हो रही मैडम। और भीतरे तो आ रही न्यूका हेलो बाबा एक साइड होना जरा, हमको निकल जाने दन, देखो ना हम कितने बहुत परेशान बहुत परेशान नहीं हम कहते ना तुम तो देखियो मैं बहुत ज्यादा परेशान बाबा। जब छोटा छोरा कह रहा हूँ न्यूका बाबा रे बाबा बाबा रे उद्योगपति। न्यूका रहो भैया ये उद्योगपति ना हो न्यूका हो भैया कर यू तो दिख रही है तू ठुकवाएगा सही कहीं हमें टोखू जोड़ू हाथ ये उद्योगपति नो युवा पति उद्योग। लीजिए आपकी सेवा में एक मौका फिर एक चुटकला कुछ ऐसे कि यह धरती पर या धरती पर जितने भी देश है या धरती पर जितने भी देश है इंग्लैंड वालों ने सब देशन में अपने लेटर मैटर पहुंचा दिए। प्रत्येक देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए और कुत्ते इनकी दौड़ करवाए कुत्ते इनकी दौड़ करवाए। तो एक लेटर भारत में भी आगो एक मैटर भारत में भी आगो। भारत में अटल जी के पास अटल जी कह रहे हैं आडवाणी जी से यू कह आडवाणी अब भारत में एक नया दौर आ रहा है
एक नई सिचुएशन और आई है, कुत्तों की दौड़। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हमारे दिल्ली के कुत्ते कामयाब नहीं है, इसलिए कोई देहाती सा कुत्ता तलाश करो। एडवाणी जी कह लगे जी, जुका जी ठीक है, ये तो ऐसे कुत्ता कामयाब होएंगे कहीं देहाती तले आएंगे, देहात तैर ये गुड़गांव साइड के जो है ना, ये हिसाब किताब बन सकता है। क्योंकि देहात का कुत्ता ही चाहिए, और कुत्ता नहीं कुत्ता ही चाहिए। एडवाणी जी ने अपने आदमी भेज दिए लाल बत्ती की एम्बेसडर, पांच छह और बैठे हमारी तेज तरह के नी, और गाड़ी गई अब एक कुत्ता जांच लिया, एक कुत्ता जांच लिया, वो पांच छह दिन को भूखो बेचारे को नंबर नो आवे, तप्पड़ बंद रोर नियो। न्यू करे और होटल में ही देख रहे, एक होटल आगे खड़े ऐसो पोजिशन को कुत्ता, भीतर दो बात सीनियर और मन रे, वहा मैं कढ़ाई सी मैं रो दूध है पी रहे, एक जन कैस कैस कहा कर रहे यार, वो बेचारो तनक जाओ पोजिशन वाला कुत्ता गैल वाके मई गैल पी लेंगे थोड़ा सा तो अपना चलेगा, तू पागल तो नो हमें ना देख रहा, हमारे शरीर देख ले, अपने शरीर देख ले। इतने में ही बोरिम बंद, अख यू कुत्ता कामयाब है जो बाहर खड़े हो पांच छह दिन को, कोई बोरिंग बंद कर लिया और एम्बेसडर में गिर कर दिल्ली, चार दिन बाद दिल्ली हो गए भूखे, छह चार दस, दस दिन में ही लंबे लंबे हुसास ले वे कुत्ता, भीतर बोरी में यूं करा है अटल जी कह रहे हैं एडवाणी जी लगता है कुत्ता बहुत ही अच्छा आ गया है, ये भारत की आन और शान को बचाए रखेगा, ये तो बोरी में से भी जंप मार रहा है। दो दिन जहाज में हो गए इंग्लैंड पहुंचा दिए, दो दिन और रेस में रह रहे हैं, दस और चार चौदह दिन हो गए भूखे, बिल्कुल चौदह में कतई बिल्कुल दूसरी वैरायटी आ गई, यू कर यार मरने को तैयार। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं नुक जी अटल जी से अनुरोध करते हैं कि सब देशों के कुत्ते लाइन में लग चुके लेकिन भारत का कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। अटल जी गए, ये कोई अट्टा पट्टा कुत्ता नहीं, ये भारत की शान और आर और बान को बचाए रखेगा, ये जब और देशों के कुत्ते एक किलोमीटर दूर निकल जाएंगे तब भारत का कुत्ता भागेगा। फायर कर दी एक किलोमीटर दूर, एकदम इंग्लैंड वाले ने पीछे ही खेजो एक कुर्ता से वाड़ और कोरा भग रहा। अब एक किलोमीटर दूर भग गए, जब अटल जी कह रहे हैं एडवाणी जी खोल द बोरी है, जट बोरी खोल दी, कुछ कुछ दिखाया नहीं, आंख बंद आदि खुल रही आदि बंदर वाण फड़फड़ाई सिली रहे तेरी बहन के हजार इन कुत्ते बोरी में तो लिख रहे हैं, अब क्या तू दोबारा बंद होगा बोरी तेरी भी खुल गई है, अब क्या तू दोबारा बंद होगा तेरा मरे ही बंद कर देगा,
भग जाओ तक भगो जा फिर तो ऐसे पौन सात बेर ऊपर तैर नीचे तहा लेर और 10 फुट और 15 सबसे फर्स्ट 15 मीटर आगे गए कुत्ता 15 मीटर आगे इंग्लैंड वाले ने अनाउंसमेंट कर दिया जी अटल जी से अनुरोध करते हैं कि भारत का कुत्ता फर्स्ट और अपने कुत्ते के साथ आए और फर्स्ट प्राइज प्राप्त करें। जब अटल जी कह रहे ये कोई आम कुत्ता नहीं अब तो आखिर मन मर्जी है इनाम देवे या मत देवे पर हम तो ये पूरे इंग्लैंड का चक्कर लगा करके आएगा और फिर भी आवे आवे लो भी आवे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा यार सतराज भाई उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द और अपनी घरवाली तक कहने लगो और रो वह पेट में दर्द बहुत ज्यादा लियू का भगवान मेरे पेट में दर्द है मेरे पेट में दर्द है। वह घरवाली कह रही जब पेट में दर्द आ जाते काम करो ना फिर है जी लिखा हो जब आपके पेट में दर्द आता है एक काम करो हल्का खाने की कोशिश करो ना फिर और यू रोवर या के पेट में बहुत ज्यादा मैठा मार रहे जी और न्यू दुल्लड़ हो रहा न्यू का भगवान हल्का खाने का न्यू का यही कोई बथुआ की रोटी बथुआ के साग बथुआ के परांठे और क्या। अब 1 महीना तक बथुआ पेंडो न छोड़ो आखो पेट में दर्द बहुत ज्यादा बथुआ पेंडे नहीं छोड़े यानी जानी तेरे बहन के आफत होगी घी बूरा को मन कर रहो कैसे खाए जा या के दिमाग में पॉइंट आयो ससुराल के बगैर मीठा कूठो न मिल रहो फिर जब अपनी घरवाली तो कह रहो कहो जी कर कह रहो न्यू दर्द तो जब भी हो अपनी घरवाली तो कह रहो न्यू क्या भगवान तू कहे तो मैं या मैं तो और कहा या तू कहे तो मैं ससुराल भुजाते और क्या यू कह जी ससुराल तो बेशक हुआ पर मैं तो यू कह रही कि अब तो तहर तबीयत तो सही है ना वैसे यू कह तबीयत तो सही है और क्या वैसे तबीयत में क्या अब तो सही देखिए अब तो दर्द वर्द भी ना हो जी हुआ है कहा परेशानी ससुराल तो जाने की जाने कोई बनाइए ससुराल तो हुआ बेशक पर फिर भी हल्का खाने की कोशिश करियो डेंट पेंट पहर के 1 मिनट लगाई चुप घी बूरा को मन कर रहा हूँ ना गैल बस में बैठ गो अरे न्यू बस भी ऐसी में बैठ गो सगड़ी हाल है कई दिन में जन कई घंटा में पहुंचा हूं इतने में ही या कि घरवाली ने टेलीफोन कर दिया जाने तो पहले ही गैल टेलीफोन मिला दिया टेलीफोन की सुविधा हर जगह चल रही है गैल ही एकदम कलबल 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 अब यह मां ने उठा लिया सासू ने वाकी ने जब अपनी मम्मी तो कह रही है मम्मी ने कही हेलो न्यू कह हेलो मम्मी 70 साल मम्मी की उम्र न्यू कह मम्मी न्यू कह हेलो न्यू कह हेलो मम्मी न्यू कह हो बेटा मम्मी री मम्मी हो बताओ ना ऐसा आज ना आज धर मत दीजिए तो टेलीफोन है कभी धर दे नीचे न्यू कह ना बेटा पर कुछ बताएगी भी न्यू कह आज ना आज मम्मी भी आ रहे हैं न्यू कह बेटा आल दे बड़े दिन मारे आल दे
मैं आने के लिए मने नहीं कर रही। मम्मी ना बताओ ना, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। और मैं यूं कह रही, थोड़ा सा हल्का खाने की कोशिश, हल्का खाना बनाने की कोशिश करिए माँ। तू यूं कह, बेटा यहाँ पे भी हल्का खानो कहा होएगो, बथुआ की रोटी, बथुआ का साग, बथुआ के परम के और का। यूं कह, हाँ मम्मी फिर तो ठीक है मम्मी, बाय। यूं कह, बाय। तर दिया टेलीफोन, पहुंच गए ससुराल में। अब न्यू पामन लटकाए चार पाई पे, कदी अंगूठा मारे कदी वाह पाम मारे वाह मेर, आप तो मीठा कूठा मिलेगा, राजी हो रो। बैठते हैं तो दूध आयो मीठो, राजी हो गो रो। न्यू आई मम्मी, 60-70 साल की मम्मी रू, आप भी मम्मी कहे सासू थे। न्यू कह, मम्मी मम्मी नमस्कार। राम राम बेटा, बेटा राम राम। न्यू कह, राम राम क्या मम्मी, बस ऐसा ही है, लग गया चक्कर काफी दिन होगा ना, इसलिए मम्मी हम तो बस आ ही गए। न्यू कह, बेटा मेरी तो किस्मत तू आगो सुना, वैसे ठीक ठाक। हाँ वैसे ठीक है, ले दूध पी ले। राजी होगा दूध देख के, न्यू कह, मीठा दूध तो मिलो। थोड़ी देर पीछे आवे बथुआ की रोटी, बथुआ के परमटे, बथुआ के साग, फिर दूसरी छाक बथुआ की रोटी, बथुआ के साग, बथुआ के परमटे, बथुआ कोई रात हो, तीसरी छाक बथुआ की रोटी, बथुआ के परमटे, बथुआ कोई रात और बथुआ कोई सलाद। गट रोल लगो देख कर, लू करा लूगा मम्मी। लू का बेटा कैसे है, लू का मम्मी बेटा सही है। लू का मम्मी री, लिखो बेटा मम्मी मो पेलो देखी जा रही तू। लू का क्यों बेटा, लू का ये तो कुत्ता आफत कर दी, एक घंटा में लकड़ी ले और फिर औच बड़ा, फिर रोटी करे, फिर वो करे, फिर तू करे, एकदम मैं करूं बेटा तू बोला। लू का ना बेटा, या मैं परेशान नहीं कहा। लू का मम्मी आता तो एक कम कर, लिखो बेटा। लू का मम्मी, अरे न्यू आ मम्मी, मम्मी री आता तो एक कम कर, तू वह बथुआ के खेत ही बता दा, हम तो हो ही चरिया ही नहीं जाए कर। अके एक बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही, अभी हम आ रहे हैं तो एक बस में बहुत ज्यादा भीड़, इधर से ड्यूटी वाला, इधर से स्कूलन की मैडम, बस में ठुकाठुक भीड़ हो रही। अब एक मैडम बेचारी रास्ते में खड़ी, काफी देर होगी, 2-2.5 घंटा पसीनों में तर, और मैडम न्यू करे, न्यू कर 1.5 घंटे लेट है आज बस, और बस जो है ना बस में, यहाँ से तो मुझे बदली करवानी पड़ेगी, यहाँ तो बस आती ही नहीं है। आवे तो कोई ऐसे आवे, ले ले जावे तो ले जावे, नहीं ना ले जावे बस यूं ही रहे। यो आप ली औ, बस वैसे ही ठुकाठुक भीड़ हो रही। ऊंची एडी के सैंडल मैडम पे, कच्चे कच्चे से पोरुआ सैंडलन में, तो आधे पाम लेंगे आधे ढके, कुछ ऐसे ही रहे। बेचारी चढ़गी अगली सीट पे, कर ड्राइवर के धोरे ही जा खड़ी हुई। ड्राइवर बलियान तर पसीनों में तर, बोनट वोनट उगड़े पड़े, बस केर वैसे ही चल रही बस। अरे अब मैडम वहां तक कह लेगी ड्राइवर ते, हेलो हेलो भाई साहब। निक हो, अरे मोतई कहवाई का। निक भाई साहब, ये सीट मिलेगी क्या? निक है, सीट मिलेगी क्या, पीछे को मर जा। सीट मिलेगी कल, यहां तो वैसे ही हवा खराब हो रही है। अरे बस भी न्यू चला, अब मैडम उतर के पिछली सीट पे जा खड़ी हुई। सीट जब भी ना मिली, आगे एक ताऊ खड़े हो, वो ताऊ भी बैठना जरूरी है। बस में बाजार ताया तेल तमकू उस वापिम बंद रखो। अरे न्यू हो गई, बड़ा रोकिया थल लखो, ओ भैया आओ तो लेबर, एड़ा थल लग मेरे यार, हमें भी ले चल तू, हम कौन जाओ।
नहीं रोकना नहीं मैं गिर जाऊंगा वैसे ही मेरे पड़े हूँ तू नहीं जान रहा होगा मैं वैसे चल ऐसा ही हूँ बस मैं ये कहता हूँ चढ़ जा जल्दी पीछे करता हूँ कहते इतने लंबे पाम और सू की जूती चौम की सूख का लक्कड़ हो रही मैडम खड़ी पिछली सिड्डी पे कच्चे कच्चे से पोरवार ने लिखाड़े अब ताऊ को तो एक पाम और एक और एक और मैडम के कच्चे कच्चे स्पोरवान पे जूती जा धरी अब मैडम में गुंजाइश कितनी सहरी ली सी तही बैग सन लटक रो लट सा ऊपर तक पकड़ राखो भीतर ही भीतर भुबकारी से लेर न्यू करे बाबा मेरे पैर काट दियो बाबा मेरे पैर काट दियो बाबा बाबा जब बाबा ऊंचा सुनाया थोड़ा सा बाबा कह रहा हो अरे कैसा तो लड़ हो रही है भैया ना हो इधर देख रहा हूँ लपेटा खा खा जा रही है कभी उम्र कभी बस ऐसे ही दोना के बाबा ओ मामा मेरे पैर काट दिया मामा मेरे पैर काट दिया मामा मेरे पैर काट जब कह रहा हो बाबा नया मैं वैसे ही ठुका ठुक भीड़ हो रही है पैर लो भैया मैं फलौट कटेंगे तू या मैं सीधी का एक हूं लीजिए आपके सेवा में एक मौका फिर ये उन मंत्री की बात है ना हमारी सुने ना थारी सुने बस और इनकी सुने एक गांव में एक मंत्री आयो और मंत्री ऐसे टाइम से आयो बहुत ज्यादा गर्मी और खेतन में लाई कटाई हो रही है गांव में कोई नहीं एक बूढ़ा बाबा बैठे हो 60-70 साल की उम्र को चौपाट पे हुक्का पी रो आराम थे और मंत्री जी के हर गांव में दौरे हो रहे हैं तो गाड़ी हर मतलब सायरन पे सायरन और सायरन कुछ ऐसे थोड़ा सा फार्मूला ऐसे कुछ सायरन और मंत्री जी आ गए मंत्री जी ने कोई नहीं मिले गांव में वह बूढ़े बाबा धोरे चढ़ के चौपाड़ पे चार पाई कुछ ऐसी ही बाबा की चरण पड़ कराई बैठते हैं मंत्री जी एकदम बाबा ने कनेर करी बाबा कह रहा हूँ खून सो भैया ना हम फैसलो पिछले खून सो है न्यूगे जी मंत्री है हर गांव में दौरे कर रहे हैं आपके पास भी आ गए न्यूगे भैया मंत्री दौरे से पे बैठे हैं तू ऐसे कर 10-20 दिन को थेता और पीछे दल ले जब कोई 2-4 मिलेंगे नहीं जो तो ले लो एक कर दे लो तो मंत्री जी वापसी हो लिए तीन घड़ी क्रॉस करनी पड़ी जब कार रोड पर चढ़ाई मंत्री जी की तीनों घड़ी में तो तीन कुत्ते छट छट के लग गए कार के पीछे एक कुत्ता तो कुछ ऐसा ही हो भगनो बस की नहीं कुछ नहीं पंजे में कर खून निकला और पीछे पीछे न्यू करा है अगले वाले तो कह रहे हो कौन जा रहे हो भाई अगले वाला सीनियर पड़ा है वो बोलियो आगे तभी भी हाल है ऊपर तभी भी नीचे तभी भी रो जब तो नहीं पता ना कहो तारे कहो जा रहे भगनो जरूरी है हमारे पीछे वो है ब्रेक मार गो एक पीछे ही रुक गो एक और चुलबुला सो बम्पर के सहारे लग रहा कार के बम्पर के सहारे लग रहा और न्यू कर रहा है ना हो ना हो अरे जब तो नहीं पता ना गम में पहली बार तो मंत्री आयो और नई एम्बेसडर है सुसरी कहीं तो रुकेगी हाई मुतंगे चल के पर एक बात और है इन कुत्ते इनकी भी वैरायटी अलग अलग होती है जैसे हमारे गौमन के देहाती कुत्ते बूढ़े बूढ़े न्यू भूसंगे बाहो बाहो उनने बुढ़ापे में बहु चाहिए और जो शहर में देखे होंगे आपने सफेद सफेद छोटे छोटे दौड़ दौड़े लूसी वे इंग्लिश पढ़े लिखे रहे वे इंग्लिश में भूसंगे रहो वाइफ 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 उनने वाइफ चाहिए और न्यू कैसी भी ना हो न्यू एयरपोर्ट हवाई अड्डा बनाई बने हो
एयरपोर्ट हवाई अड्डा बना ही बनो तो दो बुढ़े अर्जन और सुरजन दोनों जा रहे। जब सुरजन कह रहा अर्जन तेरा अर्जन यू का खजो न्यूखा यू ही तो जहाज अब एयरपोर्ट बन गो नयो नयो जो न्यूखा इतना बड़ो न्यूखो में से और का छोटे मोटे होख रहे हैं जहाज लंबे होख रहे हैं जुगत्ते और का न्यूखा में न्यू लोग करो खर जहाज तो होएगा यू पर सरकार या पेंट कस करती होएगी। न्यूखा सरकार इतनी बेकूफ थोड़ी है जो इतने पे ऐसे तो या मैं मने इन पेंट लगेगा मोने तेरी बात है सरकार पेंट तो करे पर ऐसे ना जैसे तू सोच रहा है यू ससुरो जब बुढ़ा है ना गड़ो ही ऊंचो और भी ऊंचो ये ससुरो थल लग सो सो दिखे जब पेंट करे हम कोई 150 ग्राम पेंट लगे है एक स्कूल में डीओ साहब आए और मैडम से कह लगे न्यूगे मैडम सही चल रही है पढ़ाई सर और वैसे ठीक है सर और बता दीजिए कभी वैसे ही मरती हो जी सर न्यूगे सर सर करने से काम नहीं चलेगा बच्चों से एक पर्सन सुनवा देना फिर अब एक पर्सन मैडम ने ऐसा उठाया सबसे आलको मैडम कह लगी हेलो दयाराम ओ नी दयाराम ये कहा हाँ जी बेटे देखो प्रश्न में लिखा है कि धरती धरती घूमती है दयाराम आया उठ के भक्कर न्यू कह मैडम कुछ खाए पीगी ना तो धरती घूमेगी दट मैडम न्यू कह दयाराम न्यू कहा जी बैठ जा तू दट बैठ गो हरिओम हरिओम न्यू न्यू कहा हाँ जी बेटे ये बताओ महाभारत की लड़ाई कब और कहाँ हुई देखो ना हमारे पीछे डीओ साहब खड़े हैं और हम डीओ साहब के आगे खड़े हैं तो हम मतलब खड़े ये अब तू बताओ तू ये बता महाभारत की लड़ाई कब और कहाँ हुई होता तो हरिओम आयो एकदम न्यू और आते हैं मैडम धोरे न्यूके हरिओम ये क्या बात हुई न्यूके मैडम जी न्यूके ये बता महाभारत की लड़ाई कब और कहाँ हुई बता ना बेटे मैं क्या जवाब दूंगी पूरा सकून ऐसा ही है मैडम मेरी माँ लड़की की लड़ाई फड़ा एक बात मत करियो कहीं अब डीओ साहब थोड़ी और आगे चले गए और मास्टर जी से कह रहे हैं न्यूगा मास्टर जी सही चल रही है पढ़ाई न्यूगा यस सर और वैसे ठीक हो न्यूगा यस सर बच्चों से एक सवाल निकलवा के दिखा दे फिर अब सारी क्लास के लिए सवाल बोल दिए मास्टर जी ने पर एक लड़का की निगाह वो कच्ची फर्श ही कमरे में पक्की फर्श नहीं ऐसी वैसे अब एक मूसे के बिल पे निगाह धरी एक बीच में प्रदीप नाम का लड़का मूसा लिख रहे वाकई मई तनक न्यू करा फिर बढ़ जा फिर लिख रहे फिर बढ़ जा और ऊपर दीप भी मुसे के बिल ओ न्यू स्लेट पेल से हाथ मार न्यू सारी क्लास ने सवाल दिखा दिए जब डीओ साहब कह रहे जी सब बच्चे सही है मास्टर जी आपके लेकिन ये जो बीच वाला बच्चा ये खराब है ये प्रदीप न्यूका जी आपका नाम तो प्रदीप है जी दियाती सब मास्टर हो सादा ही किल्ली मारे न्यूका प्रदीप न्यूका जी लिख दो ना लिख दो न्यूका जी दो बेर निकल गो पर फिर बढ़ गो एक
एक मैडम कह रही है एक लड़की से, सबसे आगे लाइन में एक सुषमा नाम की लड़की बैठी। जब सुषमा सादा से हिसाब तो वैसे ही ना नहावे ना धोबे, वैसे ही स्कूल बस्ता कदम धरे नहीं चल दे, और सुषमा ओ अलग ही सुषमा ऐसी ही नहीं रोज की मास्टर ने पागल बना रखे के कैसे बेटे? और का परसों तो मैडम तू यू कह रही चार दस हुआ, कल यू कह रही सात तीन दस हुआ, और आज यू कह रही है आठ दो दस हुआ। मैं ना जा रही सकूल। मैडम फिर अगले बच्चों से पूछने लगी, यू कह बेटे मंजू न्यू खान जी ओ मंजू न्यू बेटे मंजू न्यू का हाँ जी ये बताओ माँ के दूध के कितने फायदे होते हैं? देखो ना डीओ साहब खड़े साइड में, दिख नहीं रहे क्या? न्यू का दिख रहे हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो माँ के दूध के फायदे बताओ भाई। न्यू का सर जी न्यूका जी सर जी माँ के दूध के ना चार फायदे होते हैं। न्यूका कौन कौन से? न्यूका जी एकता जी एकता। न्यूका ये फिराक छोड़ दे बेटे। न्यूका जी एकता जी एकता जी एकता जी माँ के दूध में चीनी ना मिलानी पड़े, एक जी माँ का दूध गर्म ना करना पड़े, और जी एक जी माँ के दूध बिलिया भी ना बिखेर सके, और चौथी बात जी माँ के दूध पापा भी ना पी सके। मास्टर जी कह रहे डीओ साहब आए कह लगे बेटे बहुत अच्छा बच्चा है तू तो। मनगी जी बस ऐसा ही है और का। बेटे ये बताओ बहुत ही अच्छा बच्चा है तू तो, पढ़ाई में भी होशियार लगता है। बस ऐसा ही लगा लो। लेकिन बेटे ये बताओ कौन सी जाति से संबंध रखता है आप? मैं तो रोल लगो। न्यूका सर न्यूक ये बताओ बेटे कौन सी जाति से संबंध रखते हो? न्यूका सर मैं न्यूका सर मैं जी मैं सर जानवर जाति से संबंध रखता हूँ। न्यूका क्या बच्चे हो? न्यूकी बस ऐसा ही है और का जी। लो क्या मतलब? मतलब ठीक है जी, जब मैं घर जाता हूँ जी मम्मी कहती है हे बंदर चल अंदर, हे बंदर चल बंदर बंदर चल बंदर बंदर करती रहती है जी। पिताजी आते हैं, जब पिताजी कहते हैं अब ओ लो स्कूल गया था क्या? गए थे जी। अब उल्लू नाया था क्या? अब उल्लू खाया था क्या? वो उल्लू उल्लू करते रहते हैं जी। स्कूल में जाता हूँ जब मास्टर जी कहते हैं जी ओ गधे फर्श बिछा, अब ओ गधे इन रोटी ने धूम में धड़का गर्म हो जाएंगी, ओ गधे कुर्सी लिया, वे गधे गधे करते हैं जी। जब दादाजी कह रहे जी लास्ट में दादाजी कह रहे अरे मेरा बेटा तो शेर बनेगा शेर। तो जानवर जाति से संबंध रखता हूं सर और कुछ? एक अपनी ससुराल से छो होके जा रही, एक अपनी ससुराल से छो होके जा रही, दो तीन नीटू सीटू और बिंटू और भी कई नीचे खड़े कर रखे, बिंटू यहाँ खड़े कर रखो और सीटू यहाँ, नीटू पीछे और वो आगे और वो पीछे और एक पेट में तीन चार पांच बॉबी हो सूटकेस कंडी, बस में भीड़ हो रही जगह नहीं मिली, एक ताऊ बैठे हो 80-90 साल को ऊकड़ू उस सीट पे बैठे, वहां कोई छेड़ा ना बुजुर्ग आदमी है, वाई की छाती पे जा चढ़ी चढ़ी और बस चलती जावे और अपनी फरमाइश करती जावे। बाबा बाबा रे
बाबा मेरे नीट में नेल तल्लक। अरे यू खा बोता क्या भाई का यू का बाबा बाबा मेरे नीट में नेल तल्लक यू का या भैया नीट में दे दा मैं तो वो बैठा दिया नीट वापे बाबा में गुंजा ऐसी कितनी थोड़ी सी और गई आगे कह लगी बाबा मेरे सीटू आ लेल तन्नक उस सीटू बैठा दियो बाबा मेरे बिंटू अब लेले बिंटू बैठा दियो बाबा देखियो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ थोड़ा इस पर एक हो जाए बाबा मैं बैठा लेल तन्नक बाबा भीच दियो कतई बाबा में गुंजा ऐसी कितनी वो भी बैठ गई जब बाबा तो कह रही है बैठ के यू के बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा मेरे खांसी पहले तय है यू अब ना हो यू लेकिन तो खांसी की लग रही है मेरा तू आई खोस है तू मेरे पीछे आ रही है कुछ है तो से दिए तू यू के बाबा रे बाबा रे तू मने चे मत मने है बड़ा अच्छा तो बाबा कहा नाम तेरा जट रोए के बाबा तो सबन ने गिर तो यो खजो हो गो लियो गए नो यू के बाबा बाबा कहा नाम है तेरा वही तो देख रहा हूँ तो है कली तो कह मैं लीट वाली जो मामा थल्लक कली कह मैं लीट वाली जो मामा थल्लक और मैं यू और कह ना रो लो तो और कैस करूँ मैं ना यू और कह बाबा है बड़ा तो कहा नाम है तेरा भैया मेरा नाम है खुंटी कुछ और हो तो और चौकता हम पे हो तो देख रहा हूँ तो